Good afternoon, children. I think you are fine. Now, we are going to start our Hindi class for 3rd, 4th, 5th, and 6th. Today's topic is Vyuktakshar. Vyuktakshar matlab kya hai? Double letters. Pahle hum janenge swar aur vyanjan. स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं. स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं. अर्थात व्यंजन का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. ठीक है बच्चों, अभी द्विताक्षर. द्विताक्षर वो तो क्या है? डबल लेटर्स. मैं एक बार पढ़ता हूं, देखिए सब ध्यान से. जब एक वर्ण दो बार मिलता है उसे द्विताक्षर व्यंजन कहते हैं. ठीक है बच्चों, अभी मैं द्विताक्षर के थोड़े का से बात तक लिखा हूं. उससे कैसे हम पढ़ेंगे देखिए. क और आधा का मिलकर क्या होता है? ख. क्या होता है? ख. अगर हम आधा ये का पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे ख. लेकिन जब दो मिल जाते हैं तो ख. क्या बोलना है? ख. ख से बने हुए शब्द देखिए. मक्खा, मक्खा, पक्का, पक्का, मक्खा, पक्का. देखिए दूसरा शब्द, दूसरा अक्षर ग और आधा ग, दोनों को मिलाने पर घ. क्या साउंड आता है? घ. और देखिए घ से आने वाले शब्द सुग्घा, सुग्घा, तग्गी. सुग्घा वो तो क्या है? पैरेट. तग्गी थ्रेड. ठीक है बच्चों, देखिए हम जब पढ़ते हैं ये आधा का पूरे घास भाग से मिलाकर पढ़ना है तो जब होता है घ. क्या होता है? घ. इस तरह पढ़ना है. और देखिए अभी दूसरा तीसरा अक्षर च. च और आधा छ. च और आधा छ मिलाकर क्या होता है? छ. क्या होता है? छ. ऐसा साउंड आना है. इसके साथ ये अक्षर बना, शब्द बना है देखिए बच्चा. क्या बना है? बच्चा. ये क्या है? सच्चा. बच्चा, सच्चा. देखिए अच्छा, ये आधा चा पूरा चा से मिलाकर पढ़ना है. बच्चा, सच्चा. देखिए इसे और भी अनेक शब्द बना सकते हैं. ये आगे ज. देखिए जा के पास आए. ज और आधा झ दो मिलकर क्या हुआ? झ. क्या हुआ? झ. तो झ से क्या होते हैं? सज्जन. क्या? सज्जन. सज्जन का माने जेंटलमैन. इसके बाद देखिए इज्जत. इज्जत रेस्पेक्ट. देखिए कैसे तरीके इज्जत. जा क्या हुआ है? जा के ऊपर है तो जा ये आधा जा पूरे झा से मिलाकर पढ़ना है तो इज्जत. ठीक है अभी देखिए इसके बाद हम आएंगे ठ. ठ ठ के पास ठ और आधा ठा. ठा और आधा ठा मिलाकर ठ. ठ को इस तरह लिख सकते हैं या हलंत ला लगा, हलंत लगाने से ये आधा ठा होता है. आधा ठा और पूरा ठा मिलाकर ठ. क्या होता है? ठीक है. ये दो को इस तरीके से या ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है अब इससे आने वाले शब्द देखिए मिट्टी. क्या है? मिट्टी. और उसके बाद पट्टी. क्या है? मिट्टी, पट्टी. ठीक है और ये तरीके से भी लिख सकते हैं शब्द को. ठीक है मिट्टी, पट्टी. इसके बाद देखेंगे द. द और आधा ढा.
दो मिलाकर ढ, क्या हुआ है ढ, ढ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्या ने आर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह यह हलंत लगाने से क्या होता है, आधा ढा हो गया है, आधा ढा और पूरा ढा मिलाकर ढ, क्या बोला है ढ। इस तरह से मैं एक शब्द लिखा हूं, यहां देखिए हड्डी, क्या है ये हड्डी, हड्डी का मतलब क्या हुआ बोन। इसके बाद देखिए टिड्डा, क्या है ये टिड्डा, ग्रास हॉपर। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे डा प्लस आधा ढा मिलकर ढ, क्या शब्द शब्द समझ आता है ढ, ढ से क्या होता है हड्डी टिड्डा, हड्डी टिड्डा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे अभी त, त और आधा थ मिलाने पर थ, क्या समझ आता है थ, थ को इस तरह भी लिख सकते हैं या खाली हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं। इससे देखिए मैंने शब्द बनाए हैं पत्ता, क्या है ये पत्ता, पत्ता मीन्स व्हाट लीफ। इसके बाद देखिए कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता मीन्स डॉग। एक बार देखेंगे ता और आधा ता मिलकर थ, क्या समझ आता है थ, थ से क्या बनता है पत्थर, कुत्ता। ठीक है, अभी द, द और आधा धा मिलने पर क्या होता है ध, क्या होता है ध, ध से क्या शब्द आते हैं बद्ध, बद्ध लुकिंग अगली से नो बद्ध, गद्दी, क्या है ये गद्दी, गद्दी का मतलब थ्रोन। एक बार देखेंगे द और आधा धा मिलकर ध, क्या शब्द आता है ध, ध से क्या शब्द होता है, क्या शब्द आता है बद्धा गद्दी, क्या होता है बद्धा गद्दी। मैं इससे पहले बोला हूं बद्धा मीन्स अगली, गद्दी मतलब क्या है थ्रोन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ना और ना और आधा ना, दो मिलकर क्या हुआ न, न, न से क्या होता है अन्न, पन्ना, अन्न पन्ना। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे पा से, पा से पा और आधा पा, पा और आधा पा, फ क्या होता है फ, फ से क्या बनता है छप्पर, क्या बनता है छप्पर। और उसके बाद देखिए और एक शब्द है थप्पड़, थप्पड़, छप्पड़ का मतलब क्या हुआ बच्चों, सुन रहे हैं इधर देखिए ध्यान से देखिए और सुनिए आपको समझ में आएगा, छप्पड़ का मतलब हुआ रूफ, आर ओ ओ एफ रूफ, थप्पड़ क्लैप। ठीक है, अब भा और आधा भा, भा और आधा भा, आधा आधा भा क्या होता है भ, क्या होता है भ, भा से आने वाले शब्द सभल, सभल। देखिए कैसा लिखा हूं, ये आधा भा और ये पूरा भा, ये आधा भा पूरे भा से मिलाकर पढ़ना है भ हो गया, सो जब शब्द पढ़ेंगे तो सभल, क्या होता है सब्बल, सब्बल से, सब्बल के माने क्या है अंग्रेजी में क्रोबार, क्या बोलते हैं क्रोबार। देखिए इसके बाद गुब्बारा, क्या है ये गुब्बारा, गुब्बारा का मतलब हुआ बैलून, बी ए एल एल ओ ओ एन बैलून। ठीक है, अभी एक बार देखेंगे बा और आधा भा मिलकर भ हो गया, भ से आने वाले शब्द सभल गुब्बारा। बच्चों देखिए अभी मार्क्सिस्ट,
मां और आधा मां, मां और आधा मां मिलकर क्या हुआ? मह, मह, मह से क्या होता है? सम्मान, सम्मान। उसके बाद देखिए चुम्मा, चुम्मा, सम्मान, चुम्मा, सम्मान। सम्मान बोलते क्या है? रेस्पेक्ट। चुम्बा किस, चुम्मा बोलता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस, सम्मान, चुम्मा। देखिए आधा अक्षर पूरे अक्षर के साथ मिलाकर पढ़ना है, यहां भी आधा अक्षर पूरे अक्षर के साथ मिलाकर पढ़ना है। सम्मान, चुम्मा, चुम्मा, देखिए इस तरह उनको पढ़ना है। मां और आधा मां मिलकर मह, मां से क्या आता है? सम्मान, चुम्मा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए या, या और आधा या, तो मिलकर क्या होगा? य, य, ऐसा साउंड आना है, य, राजय्य, क्या है? राजय्य, राजय्य, ये ना एक व्यक्ति का नाम है, राजय्य क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। भैया, भैया, भैया मीन्स ब्रदर। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे, या और आधा अक्षर या मिलकर य हो गया, राजय्य, भैया। ठीक है, इस तरह से लिखना, र और आधारा, आधारा मिलकर क्या होता है? र, र, र से क्या होता है? कार्य, कार्य, गुर्राना, कार्य, कार्य होता क्या है? वर्क, काम। गुर्राना ग्रौल, सिंह, सिंह क्या करते हैं? गुर्राते हैं, गुर्राना ग्रौल, गुर्राना। अभी देखिए ला से, ला और आधा ला मिलकर ल, क्या हुआ? ल, ल से क्या होता है? बिल्ली, 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 बिल्ली बोलते क्या है? कैट। दिल्ली, दिल्ली हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में दिल्ली। ठीक है, उसका स्पेलिंग होता है DELHI, दिल्ली, ये दिल्ली बोलते हैं इसमें। ल और आधा ला मिलकर ल हो गया, बिल्ली, दिल्ली। ठीक है, इस तरह का वा, वा और आधा वा मिलकर व, व, कव्वाली, कव्वाली, फव्वारा, कव्वाली, फव्वारा। ठीक है, फव्वारा वो तो फाउंटेन। इसके बाद देखिए स, सा और आधा सा मिलकर स, स, सा से क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा मीन्स एंग्री, एंग्री स्पेलिंग आता है आपको? हाँ, वेरी गुड, ANGRY, एंग्री। ठीक है, गुस्सा। और रस्सी, रस्सी बोलते क्या है? वेरी गुड, रोप, ROPE, रोप, वेरी गुड। सा और सा से मिलकर सा और आधा अक्षर सा से सा हो गया, गुस्सा हो गया और रस्सी, इस तरह। और हर एक द्विताक्षर से आप और दो क्या लिखना है? और दो शब्द लिखना है, इस तरह। यहां मैं जहां से शुरू करा हूं वहां से लेकर यहां तक आपको दो दो शब्द लिखकर व्हाट्सएप पे जाइए, मैं करेक्शन करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।